बेस्ट नेक बैंड्स अंडर 1000 रुपीज़। अगर आप 1000 रुपीज़ के अंदर एक ऐसा नेक बैंड ढूंढ रहे हो जिससे आप गेमिंग भी कर सको और आपको तगड़ी म्यूजिक एक्सपीरियंस भी देखने को मिले, सो भाई यार आप एकदम सही जगह आए हो। आज के वीडियो में मैं आपको 5 नेक बैंड बताऊंगा और साथ में इनके साउंड क्वालिटी के बारे में काफी डीप में बात करेंगे। इस लिस्ट में जो नंबर 5 पे नेक बैंड्स आती हैं, बोट की तरफ से उनके बोट रॉकर्स 245V2 आता है। अगर मैं इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। टोटल प्लेबैक आपको यहाँ पे 8 आवर्स का देखने को मिलता है। कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई है। 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। इनलाइन कंट्रोल्स हैं, मैग्नेटिक ईयर टिप्स दिया गया है और 60 ग्राम इसका वेट है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है। बाकी अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो जो वोकल्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड है वो आपको काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाता है। बेस भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको थोड़ा बहुत डीप बेस चाहिए तो वो मिल जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी डीप बेस देखने को नहीं मिलता। और जो बेस है ना उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और बेस की वजह से ऐसा भी नहीं है सारे जो साउंड्स है उसके अंदर आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिले। मोस्ट ऑफ़ दी सॉन्ग्स में आपको 100% वॉल्यूम पे कोई भी मेजर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो ये 999 रुपीज़ का करेंटली अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है। मैं हर प्रोडक्ट की बेस्ट डिस्काउंट बाय डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपको कोई सा ही प्रोडक्ट पसंद आए उसकी एक बार डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो देख लेना ताकि आपको माइनर से माइनर चीज़ें पता चल सके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक बैंड की तरफ। इस लिस्ट में जो नंबर 4 पे नेक बैंड्स आते हैं, ये बोल्ट की तरफ से उनके ऑडियो प्रो बास कर्व एक्स आता है। अगर मैं इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है। 15 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है। इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, तो 10 मिनट चार्ज पे आपको टोटल 10 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिल जाता है। इनलाइन कंट्रोल्स हैं, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, मैग्नेटिक ईयर टिप्स दिए गए और 110 ग्राम इसका वेट है। और भाई मैं जितने भी आपको प्ले टाइम बता रहा हूँ ना, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, भाई ये एकदम एग्जैक्ट 15 आवर्स नहीं चलते। इसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लाइक 8 आवर्स का प्लेबैक है तो आपको 6 to 7 आवर्स का इजीली देखने को मिल जाएगा। 15 आवर्स का है तो 13 to 14 आपको देखने को मिलता है। कंपनी फुल कभी भी नहीं देती। बाकी अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में आपसे बात करूं तो जो वोकल्स हैं काफ़ी क्लियर है और बेस काफ़ी पंची दिया गया है। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आप 100% वॉल्यूम पे बेस वाले सॉन्ग सुनते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। सो मैं रेकमेंड करूँगा आप 80 to 90% वॉल्यूम पे सुनना, आपको काफ़ी तगड़ी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो 899 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अब इस लिस्ट में जो नंबर 3 पे नेक बैंड्स आते हैं, ये मीवी की तरफ से उनके कॉलर फ्लैश आता है। अगर मैं इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 मिनट चार्ज पे 10 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है और 24 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है फुल चार्ज में, और फुल चार्ज होने में ये अराउंड 40 मिनट्स ले लेता है। बाकी 10mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनलाइन कंट्रोल्स हैं, मैग्नेटिक ईयर टिप्स हैं, डुअल पेयरिंग को ये सपोर्ट करता है और काफ़ी लाइट वेट डिज़ाइन है। अराउंड 32 ग्राम इसका वेट है और आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। दिन भर आप इसको पहने रहोगे ना तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके भी साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसकी स्पेशली ट्रैवल्स काफ़ी क्लीन है, बेस आपको थोड़ा पंची नहीं लगेगा, बैलेंस कर रखा है ट्रैवल्स के हिसाब से। बाकी वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो आप इस नेक बैंड से इजीली 100% पे सुन सकते हो, कोई भी डिस्टॉर्शन आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 80 to 90% पे सुन रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो 1099 रुपीज़ का करेंटली अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस लिस्ट में जो नंबर 2nd पे नेक बैंड्स आते हैं, नॉइज़ की तरफ से उनके नॉइज़ सेंस आते हैं। अगर मैं इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। 25 आवर्स का आपको टोटल प्लेबैक देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। 8 मिनट के चार्ज पे आपको टोटल 8 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। बाकी मैग्नेटिक ईयरबड दिए गए हैं। IPX5 वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, डुअल पेयरिंग को सपोर्ट करता है और काफ़ी लाइट वेट डिज़ाइन इसका भी बनाया गया है। अराउंड 30 ग्राम इसका वेट है। और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा डीप बेस नहीं है और ना ही ज़्यादा ट्रैवल्स है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस बनाई गई है, तो अगर आपको काफ़ी बैलेंस साउंड पसंद है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो ये नेक बैंड आपको 1180 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे नेक बैंड्स आती हैं, बोट की तरफ से उनके रॉकर्स 255 प्रो आता है। अगर मैं इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। 1 आवर्स लेता है फुल चार्ज होने में और आपको टोटल प्लेबैक देता है 10 आवर्स का।
20 मिनट के चार्ज पे आपको 4 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलता है। एंड यस, ये नेक बैंड भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10mm के आपको यहाँ पे डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है। IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनलाइन कंट्रोल दिए गए हैं और ये काफी ज्यादा लाइट वेट है भाई, अराउंड 26 ग्राम इसका वेट है। आप समझ सकते हो सबसे लाइट वेट नेक बैंड अभी तक का मैंने आपको बताया इस वीडियो में, सबसे लाइट वेट है। आप इसको दिन भर पहने रह सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो बेस है ना काफ़ी क्लीन और क्रिस्प देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पर हाई मिड लो ट्रैवल पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और वॉल्यूम भी काफ़ी सही है। अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर सराउंड साउंड भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो गेमिंग में भी आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नेक बैंड खरीदने की जिससे आप गेमिंग भी कर सकते हो और म्यूजिक में भी आपको तगड़ा एक्सपीरियंस हो, तो आप डेफिनेटली बोट ऑकर्स 255 प्रो पे जा सकते हो। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही है, अराउंड 1200 रुपीज़ के ही आते हैं। अगर आप अपना बजट 1000 रुपीज़ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो आप इसको परचेस कर लेना। 1200 रुपीज़ के आते हैं और 1200 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी सही मुझे लगे। बस इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम है, वो इसकी बैटरी थोड़ी कम है यार, 10 आवर्स का प्लेबैक है। थोड़ा ज़्यादा प्लेबैक होता तो ज़्यादा बेटर रहता। 1200 रुपीज़ के अंदर थोड़े बहुत ऐसे नेक बैंड्स हैं जो आपको ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड करते हैं, लाइक मे बी 24 आवर्स का नॉइज सेंस, 25 आवर्स का। सो अगर आप एक ऐसा नेक बैंड ढूंढो जिसके अंदर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप डेफिनेटली उन दोनों पे जा सकते हो। बाकी बेस के मामले में या साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी सही लगा मुझे बोट ऑकर्स 255 प्रो। साउंड भी दिया गया तो आपको गेमिंग भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, और उसकी लेटेंसी भी काफ़ी कम है तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इन नेक बैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।